हेलो स्टूडेंट, गुड क्या हाल चाल? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, हाउ आर कैसे हो यू आप मैम? सब? हाउ आर यू मैम? फाइन। अब देखो, हमने कल क्वेश्चन नंबर 3A के अंदर कहाँ तक कर लिया था? मैम एक्सरसाइज 3 कर ली थी मैम कल। ये आपको दिख नहीं रहा है ना, इधर एक बार रुको, इसको नीचे दिख लेती हूँ। 3 में कौन सा क्वेश्चन किया था अपन ने? मैम एडिशन और सब एडिशन और सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना इसके अंदर। यस। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। 3A के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। फाइंड द सम ऑफ, आपको निकालना है सम, यानी इनका प्लस करना है, इनको ऐड करना है। सम यानी जोड़ना, यानी जोड़ निकालना है, इनका सम निकालना है आपको। फाइंड द सम ऑफ, तो देखो सबसे बड़ी जो डिजिट है, सबसे बड़ा जो नंबर है उसको सबसे पहले लिखेंगे, याद रखना। तो बताओ किसमें कितने डिजिट है, पहले काउंट करो। 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट है। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट है। इसमें 1 2 3 3, तो सबसे ज्यादा इसमें है ना, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। तो सबसे पहले इसकी काउंट करेंगे। देखो इसको लिखेंगे सबसे पहले 24567, फिर उसके नीचे लिखेंगे 4 डिजिट वाला 2275, फिर लिखेंगे 3 डिजिट वाला 875। अब इनका एडिशन करेंगे, यानी पहले वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर 10,000। इसमें सबसे बड़ा ही लिखेंगे ऊपर। अगर पहले ही लिख देते तो प्लस करने में दिक्कत आती आपको, ठीक है? वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर सीक्वेंस आपका ये होना चाहिए, ठीक है? समझ में आई ये बात? तो आपको प्लस करना है, तो कैसे करोगे? 7 में 5 प्लस करो, पहले वंस की लाइन में करोगे ना प्लस। 7 में 5 प्लस करो, कितना आएगा? 12 है मैम। हाँ मैम, ये तो हमको आते हैं। हाँ ऐड करो, तो 7 में 5 प्लस करो, कितना आएगा? 12 है। 12 में 5 प्लस करो, 17। 17 फिर ऐसे करो तो 5 और 5 10, 10 और 7 17 है ना। 17 का 7 नीचे और 1 चला गया ऊपर, समझ ऊपर। फिर देखो 7 और 7 14, 20 और 1 21, 21 और 2 चला गया ऊपर। अब प्लस करो आगे, 5 में ऐड करो। प्लस करोगे तो कितना आएगा? 5 में 2 प्लस करोगे तो 7 क्या आएगा? 7। ये 2 5 में प्लस किया है, कैरी जो है ना वो 2 है, और ये 5 प्लस किया तो 7। 7 में 2 प्लस करोगे तो 9। 9 में 8 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 17। कितना आएगा? 17। 17 नीचे और 1 चला गया ऊपर। अब देखो 1 में 4 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 5। 5 में 2 प्लस कर दो तो कितना आएगा? 7। इसमें कुछ करना नहीं है, यो का यो 2, क्योंकि कोई एडिशन है ही नहीं इसका, कोई डिजिट ही नहीं है ऐड करने को, तो आपका आ जाएगा 27,717। समझ में आया? यस मैम। आपको नेक्स्ट दे रखा है, इसमें देखो 5 डिजिट है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो सबसे पहले 5 डिजिट वाला लिखो। 28। कई बच्चे क्या करते हैं, पीछे से नहीं लिखते हैं डिजिट को, अब इसके नीचे लिखनी होती है, ये 4 डिजिट है तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं 7448। ये गलत है आपका, यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी, इसको लास्ट से लाना है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है? 1 से। तो 1 से, 1 के नीचे 8 लिखो, 4 टेंस के नीचे, फिर ये 4 इसके नीचे, 2 के नीचे, यानी हंड्रेड की लाइन में, और 7 लिखो थाउजेंड में।
अगर यहाँ लिख दोगे तो 7 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 1000 बढ़ नहीं जाएगा क्या? बढ़ जाएगा ना भाई फालतू के अंदर ही। समझ में आया? सीक्वेंस से लिखना है, यानी वंस के साइड से हमेशा डिजिट लिखी जाएगी। अब ये 5 लिखेंगे तो इधर से लिखेंगे 5 1 2 9। अब ऐड कर दो इसको, करो 8 में ऐड करो, 8 के अंदर 8 प्लस करो कितना आएगा? 16। 16 में 5 प्लस करो 16। 21 21 का 1 तो नहीं, 2 कैरी 1 आते ऊपर। 2 में 1 प्लस करो कितना आएगा? 3। 3 में 4 प्लस करो 7। 7 में 1 प्लस करो 7। 8। अब देखो 2 में 4 प्लस करो 6। 4। 2 में 4 प्लस करोगे 6। 6 में 2 प्लस करोगे 8। 8। 8 में 7 प्लस करो कितना आएगा? मैम 15। 8 7 जा 15। नहीं सॉरी, 8 में 7 प्लस करो, 8 और 7 15। 15। 15 में 9 प्लस करो कितना आएगा? 24। 2 चला गया ऊपर मैम, 2 और 2 4। अब 2 और 2 4। समझ में आया आप? किसी बच्चे के कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हो? ये दोनों समझ में आए? यस मैम। किसी भी बच्चे के कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापिस से देखो, इरेज कर दो तो। यस मैम। यस मैम। सी का चलो मैं आपको बड़ा बता देती हूँ और आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना? इसके अंदर आपको बड़ा बता देती हूँ मैं। या फिर सारे करवाऊं? हम सारे करवा दो। मैंने ए भी करवाया है, ये एफ तक है, तो आप सारे करवाऊं या फिर आप कर लोगे? मैम करवा दो, सारे करवाएं। हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम सारे करवा दो। चलो सारे करवा देते हैं। आपसे होंगे नहीं ना, आपको आते नहीं है शायद, है ना? हम आते हैं, हमको तो सीखे बैठे आते हैं, तो आप करना क्यों नहीं चाहते? मैम हम तो बोल रहे हैं कर लेंगे, हम कर लेंगे। अब देखो ये नंबर है, तो बताओ सबसे पहले कौन से डिजिट लिखूं ऐड करने के लिए? बताओ सुनील, बताओ मैम। कौन से डिजिट लिखूं मैम? मैम हम बताएं, बताओ मैम हम बताएं। हाँ मैम, फर्स्ट वाली, फर्स्ट वाली 40,428। 42। फिर इसमें अब क्या लिखूं ऐड करने के लिए? इसके आगे क्या लिखूं? ये आपका वंस हो गया, ये टेंस, ये हंड्रेड, ये थाउजेंड, ये 10,000। अब बताओ इसके नीचे कौन से लिखूं डिजिट, कौन सा नंबर लिखूं इसके नीचे? मैम ये सेकंड वाला 6,628। ये लिखू बड़ा कौन सा इनमें से? थर्ड वाला 240। तो थर्ड वाला ही तो लिखू, थर्ड वाला बड़ा होता है।
अगर वो पहले लिखूंगी तो सीक्वेंस कहाँ हुआ, देखो फिर ये यहाँ आएगा, सीक्वेंस हुआ क्या, ये बीच में खाली रहेगा, नहीं हुआ ना, इसलिए इसको पहले लिखो और फिर उसको बाद में, आई मीन का एड कर दो, एडिशन करो, 8 में 0 प्लस करो कितना आएगा, हमें 8 आता है ना, 16 आएगा, 16 आएगा, 8 में 0 प्लस करते 8 आता है, यस मैम, इसका आंसर 16 आएगा, कैमरा ऑफ करने चार सोने से मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, मैम आ रही है, आवाज नहीं आ रही, प्रिंस 8 में 8 प्लस करोगे कितना आएगा, 16 कितना आएगा प्रिंस, 8 में 8 प्लस करोगे तो 16 तो ये रहा 6 और ये 1, अब देखो 1 में 2 प्लस करो कितना आएगा, 3 और प्लस करो 7 क्लास नहीं ले पाए थे हम, आप कैसे नहीं जुड़े थे, आपका मैसेज भी आया था शायद मेरे पास, यस मैम, ओके आज आ गए ना, कोई बात नहीं, yes, ma'am. कल का वर्क है वो आपके ग्रुप पे है, वो आप कर लेना, आपको अगर समझ में नहीं आया कोई चीज तो आप पूछ लेना, एडिशन ही थे वो भी, ठीक है ना, कल जो करवाया था, यस मैम, अब देखो 4 में 2 प्लस करो कितना आएगा, 6 6 कितना होता है, 12 का 2 तो रहेगा नीचे और 1 चला जाएगा ऊपर, अब 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 में 5 प्लस करोगे तो 6, और 6 और 6 कितना होता है 12 का 2 नीचे 1 चला गया ऊपर, अब देखो 1 में 4 प्लस किया 5 में 2 प्लस किया 7, ये आपका आंसर आ गया 72,296, अब डी का देख लो, का आपका है 24,233 में
8944 इसमें ऐड करना है 12,286 एंड 88 ये भी इसके अंदर ऐड करना है। तो देखो सबसे पहले बड़ा ही बड़ा लिखेंगे 24,233 ठीक है, उसके अंदर करेंगे फिर ये वाला, ये भी सबसे बड़ा है, ये भी फाइव डिजिट का है, ये भी फाइव डिजिट का है, फोर डिजिट का है और ये टू डिजिट का है। अपनी वॉइस को म्यूट कर लो, आवाज नहीं आनी चाहिए। तो देखो 12,286 है, फिर इसमें हमने ऐड किया 8,944 और 888 ये भी इसके अंदर हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ये आपका वंस है, ये टेंस, ये हंड्रेड, ये थाउजेंड और ये 10,000 ओके। अब देखो हम ये सीक्वेंस है, हमने क्या कर लिया इनको रख लिया, अब इनका एडिशन कर देंगे। तो 3 में 6 प्लस करोगे तो कितना आएगा 9 में 4 प्लस करोगे, देखो इसमें 4 डिजिट 4 नंबर दे रखे हैं, उनको ऐड करना है, कोई हार्ड नहीं है, इजी एकदम। 3 में 6 प्लस करे तो 9 आया, 9 में 4 प्लस किया तो कितना आया सीक्वेंस करते जाओ, देखो मैम 13 आवाज नहीं, सीक्वेंस से प्लस करते जाओ। देखो 3 में 6 प्लस किया तो कितना आया 9, 9 में 4 प्लस करोगे तो आ जाएगा 13 में 8 प्लस करोगे तो आ जाएगा कितना आएगा 41 नीचे और 2 चला जाएगा ऊपर। फिर देखो इस 2 को 3 से प्लस करेंगे तो आएगा 5, 5 में 8 प्लस करोगे तो कितना आएगा 13, 5 में 8 प्लस करोगे तो कितना आएगा 13 में 4 प्लस करोगे तो कितना आएगा 13 में 4 प्लस करोगे कितना आएगा 17 में 8 प्लस कर दो वापस से कितना आएगा 25 का 5 चला गया नीचे और 2 चला गया ऊपर। अब देखो 2 और 2 कितना होता है 4 और 2 6 or 9 15 होता है ठीक है, वन इसको दिया 10 और 5 15 नहीं हो गए क्या, 15 का 5 तो नीचे और 1 चला गया ऊपर। 1 और 4 कितना होता है 15 का 5 नीचे और 1 चला गया ऊपर। 1 और 2 3, 3 और 1 4, समझ गए आप, एक बार देख लो इसको, अगर किसी बच्चे के प्रॉब्लम है तो बताना। देखो इसको वापिस से कि कहीं गलती तो नहीं हो गई है हमसे, देखो इसको राइट है क्या? यस मैम। यस मैम। रफ कर दूं? यस मैम। यस मैम। ई तक कर लिया है, हम करेंगे ई और एफ का।
ई का आपको दे रखा है। ये दोनों आपको देखो, यहाँ पर आपको फोर डिजिट दे रखी है, फोर नंबर दे रखे हैं और यहाँ पर आपको थ्री दे रखे हैं। दोनों को आपको ऐड करना है, तो अब आप बताओगे फटाफट। सबसे पहले बड़ा ही बड़ा लिख दिया मैंने, उसके बाद में सेवन वाला ये सब फाइव डिजिट का है दोनों ही, ये फोर डिजिट का, ये थ्री डिजिट का है, तो फिर फोर डिजिट वाला लिख दिया, फिर थ्री डिजिट वाला लिख दया। समझ में आया? अब इनको ऐड करते हैं, ये टेंस, ये हंड्रेड, ये थाउजेंड, ये टेन थाउजेंड। तो देखो वन की लाइन वालों को प्लस करो, सिक्स में जीरो प्लस किया, सिक्स, सिक्स में एट प्लस करो कितना आएगा, जीरो प्लस किया तो सिक्स आ गया, सिक्स में एट प्लस करोगे तो कितना आएगा, फोर्टीन, फोर्टीन में फाइव प्लस करो, फोर्टीन में फाइव प्लस करो, नाइनटीन, 19, 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 19
तो जीरो थर्टीन ही आएगा, थर्टीन में एट प्लस करो तो कितना आएगा ट्वेंटी वन का मन तो रहेगा नीचे और टू चला गया ऊपर। आवाजें किस क्यों आ रही है, म्यूट करो पहले, म्यूट करो जा रहे जा, मैं क्यों म्यूट करो मैम, मैम इस शो की साइड आ रही है क्या, हमारे तो सब सो रहे हैं, क्या बोल रहे हो, मैं सो रही हूँ, क्या बोल रहे हो साफ तो बोलो आप, हम कीर्ति बोल रही थी, समझ में नहीं आ रहा क्या, मैम कीर्ति बोल रही थी पता नहीं क्या बोल रही है, चलो आप म्यूट कर लो और ध्यान से करो इसको। टू और टू कितना होता है फोर, फोर में नाइन प्लस करोगे तो कितना आएगा इलेवन। मैम स्क्रीन साफ नहीं आ रही, फोर में नाइन प्लस करोगे अपना कैमरा साफ करो आ जाएगी, फोर में नाइन प्लस आएगा थर्टीन, थर्टीन में थ्री प्लस करो, वैसे मैं बोल भी रही हूँ थर्टीन में थ्री प्लस करो, मैम हमने कैमरा साफ कर लिया, 16 का 6 नीचे और 1 चला गया ऊपर, कैमरा साफ कर लिया आ जाएगी, क्या पता नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हो रही हो ऐसा, देखो फिर 1 में 8 प्लस करोगे तो कितना आएगा 9, आवाज तो सुन रही है ना आपको, 1 में 8 प्लस करोगे तो 9, 9 में 3 प्लस करो कितना आएगा 12 का 2 नीचे और 1 चला गया ऊपर, अब 1 में 9 प्लस करो तो कितना होगा 10, 10 में 7 प्लस करो तो 17, समझ में आया, यस मैम। अब इसको करो तो सबसे पहले बड़े बड़े क्या है सब, ये 6 डिजिट का, देखो ये कितने डिजिट का, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इसको सबसे पहले लिखेंगे 6 डिजिट वाले को, इसको लिखा मैम, फिर ये लिखो मैम, फिर 5 वाला, अब इनका एडिशन कर दो, ये
ये आपका वंस है, ये टेंस, ये हंड्रेड, ये थाउजेंड, ये टेन थाउजेंड और ये लैक, ठीक है। अब एट में नाइन प्लस करो कितना आएगा बताओ। सेवेंटीन। कितना आएगा? सेवेंटीन। एट में नाइन प्लस करोगे तो सेवनटीन, सेवनटीन में फाइव प्लस करोगे तो ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू रहेगा नीचे और टू चला गया ऊपर। अब टू में जीरो जीरो प्लस करो, पहले टू में जीरो प्लस किया तो टू आ गया, फिर वापस से टू में जीरो प्लस किया तो वापस से टू आ गया, क्योंकि इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। फिर टू में सिक्स प्लस किया तो कितना आ गया? चाहे जीरो जीरो हो तो प्लस में क्या करो, टू से सीधा एट, क्योंकि इनका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो टू से सिक्स प्लस किया तो कितना आ गया? एट। टू में सिक्स प्लस किया एट आ गया, फिर जीरो जीरो तो जीरो, जीरो जीरो सिक्स तो सिक्स, फाइव में सेवन प्लस करो, या फिर ऐसे कर लो फाइव और फाइव कितना होता है टेन, टेन में सेवन प्लस करो सेवन, प्लस करो तो कितना आ जाएगा सेवन, या आपका या आपका आंसर आ गया। आपको समझ में आया? एफ तक मैंने आपको करवा दिए हैं, आपको प्रॉब्लम है तो बताओ, इसको वापिस से देखो आप, कहाँ गलती तो नहीं हुई है ना। देख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे के? नो मैम। रफ कर दूं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. सबको आ रहा है ना? अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो वो पूछा करो, ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट। बाय मैम। बाय मैम।